कल्याणपुर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बलाऊ जाटी के कलावत्सर गांव में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर शौर्य चक्र विजेता लेफ्टिनेंट स्वर्गीय जगमाल सिंह राठौर की चतुर्थ पुण्यतिथि एवं भव्य सैनिक समारोह आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि कमांडेंट बीएसएफ योगेंद्र सिंह राठौड़ एवं अध्यक्षता रिटायर्ड कर्नल मनोज सिंह राठौड़ ने की। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक व वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कमांडेंट बीएसएफ योगेंद्र सिंह राठौड़ एवं रिटायर्ड कर्नल मनोज सिंह राठौड़ ने संबोधित किया। कार्यक्रम में रिटायर्ड कर्नल इंद्रिश खान जोधपुर, पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी, संरक्षक धार के वीर रावत त्रिभुवन सिंह, बाड़मेर जिला भाजपा अध्यक्ष महेश बी चौहान, कल्याणपुर प्रधान उमेश सिंह अरावा, उप प्रधान श्रवण सिंह राजपुरोहित, प्रदेश कार्य समिति सदस्य गोविंद सिंह कालूड़ी सहित जनप्रतिनिधि गणमान्य लोग मौजूद रहे। विश्व युद्ध के अंदर जिसमें आपके जोधपुर हॉर्स और दूसरी बटालियनें थी जो हाइफा के अंदर गए, इराक के अंदर, वहां पर यहाँ के वीर सपूत अपनी जान की बाजी लगाकर गोलियों के सामने तलवारों से और घोड़े की स्पीड से उन्होंने सामना किया था, जो आज एक रिकॉर्ड बना हुआ है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा, इन बहादुरों का बयान उनकी जो पुस्तिका है उसके अंदर इज़राइल के जवानों को, इज़राइल के बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये कितने गर्व की बात है। बार बार वैसे हमेशा वीरों की भूमि रही है जिसमें दुर्गादास राठौर, जनरल हनुमत सिंह जी जो अन्न नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे और टैंक के अंदर बाहर निकलकर दुश्मन को फर्स्ट करते थे, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे को आज के दिन आपके समक्ष बोलने का मौका मिला। कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। फौज की ज़िंदगी यहाँ पे जो बाहर आने के बाद मैंने देखी उससे बहुत ही अलग है। वहाँ पे हम लोग एक के लिए सब और सब के लिए एक हुआ करते थे। मैंने पूरे गीता के सारे अध्याय पढ़े हैं इंस्पाइट ऑफ मी बीइंग अ मुस्लिम, और मैं उसका पंडित के साथ बैठ के और भावार्थ और शब्दार्थ भी किया करता था, और मेरे जवानों ने कुरान भी पढ़ी है, मुझसे समझी है। तो ये उस तरह की सांझी सभ्यता है जो कि हम लोगों ने फौज के अंदर व्यतीत की थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस देश में जब 36 कोटि देवी देवता होते हैं और जहाँ पर अनेकता में एकता ही एक विशेषता है, हर 25 किलोमीटर पे कुछ ना कुछ हमारा बदल जाता है, इसी कलावसर में कितने तरह के लोग रहते हैं। लेकिन जैसे कि अभी कोरोना ठाकुर साहब ने कहा कि जब तक ये आपसी मतभेदों को भुला के एक हो के एक कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरह और टीम की तरह काम करेंगे, तब जाके ये जो सबका साथ सबका विकास की बात है उसमें सबसे पहले आता है गांव। जिस देश में गांव सशक्त होंगे उस देश के विकास को कोई नहीं रोक सकता। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता रिटायर्ड चैन सिंह राठौर, संयोजक आज़ादी अमृत महोत्सव दिलीप शर्मा ने सभी का आभार प्रकट किया।